आज की वीडियो में मैं आपका पर्पस सॉल्व करने आया हूँ कि अगर आप एक ऑडियो इंटरफेस बाय करने का प्लान कर रहे हो 2022 में, तो कौन सा ऑडियो इंटरफेस आपको लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑडियो इंटरफेस अवेलेबल है। तो मेरे जैसा आम इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से ऑडियो इंटरफेस में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपका पर्पस सॉल्व करूंगा कि कौन सा ऑडियो इंटरफेस आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सूट करेगा, जो आपको हाई क्वालिटी भी देगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और एक अच्छे ब्रांड का होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकोगे कि कौन सा ऑडियो इंटरफेस आपको लेना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। एडिटर, लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। आज मैं 5 ऑडियो इंटरफेस आपको बताने वाला हूँ, आपके बजट के अकॉर्डिंग, लो बजट से हाई बजट की ओर चलेंगे। सबसे पहला मैं जो ऑडियो इंटरफेस आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक बिगिनर के लिए सुटेबल है। मतलब अगर आप अपनी म्यूजिक जर्नी की शुरुआत कर रहे हो और चाहते हो कि मतलब एक कंडेंसर माइक्रोफोन आपको यूज करना है, उसके लिए फैंटम पावर रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑडियो इंटरफेस है वो बेहरिंजर ब्रांड का है, UM2, जो कि 5,000 रुपए से 5,500 रुपए का आपको अमेजन पर मिल जाएगा। करंट रेट में आपको बता रहा हूँ, आज से 2-3 साल पहले ये 4,000 रुपए का भी हुआ करता था। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। आप एक इसमें कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, साथ के साथ आप एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आप एक अपना मिडी कीबोर्ड या एक गिटार भी यूज कर सकते हो, मतलब दोनों को एक टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें गेन की फैसिलिटी भी मिलेगी, आप गेन भी इसका कंट्रोल कर सकते हो। हेडफोन का एक जैक भी मिलेगा, जिसमें आप अपना 3.5mm क्वार्टर जैक के साथ यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, सेम आपको ऑडियो इंटरफेस इंडियन ब्रांड का भी मिलता है, राइट ब्रांड का, WR12, जो कि अभी मतलब अवेलेबल नहीं है अमेजन पर, बट उसका एक जो कॉम्बो पैक है वो आप देख सकते हो, 5000 के रेंज में ये भी मिल जाएगा, जिसमें आपको एक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन मिल रहा है, एक स्टैंड भी मिलेगा, और साथ में ऑडियो इंटरफेस जो मिल रहा है वो बिल्कुल बेहरिंजर का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे, देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम बिल्ड क्वालिटी है, क्वालिटी भी आपको बिल्कुल सेम देता है। फर्क इतना सा है, ये जर्मन ब्रांड का, ये इंडियन ब्रांड का, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये 5500 रुपीज का मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3300 से 3500 का, जो कि पहले अमेजन पर अवेलेबल था, तब का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। अभी ये अवेलेबल नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने, बट जब भी अवेलेबल होगा इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अभी के लिए मैंने दोनों का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इसे बाय करना चाहो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड ऑडियो इंटरफेस की ओर, जो कि है एम ऑडियो का एम ट्रैक सोलो, जो 5000 रुपए की आपको रेंज में मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये है एम ऑडियो का एम ट्रैक सोलो, USB ऑडियो इंटरफेस फॉर रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्टिंग। आप इसे सिंगिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, साथ में आपको मिलेगा एक सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज करके अपना म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर सकते हो। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो म्यूजिक इंडस्ट्री में, तब आप ये बाय कर सकते हो। इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको प्रोडक्ट नेम से पता चल रहा है, ये एम ट्रैक सोलो, मतलब कि एक कंडेंसर माइक्रोफोन ही आप एक टाइम पर यूज कर पाओगे, बट साथ में अपना एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, गिटार या आप मिडी कीबोर्ड रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके लिए TRS केबल आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ऑडियो इंटरफेस के टॉप में आपको मिलता है गेन कंट्रोल करने के लिए नॉब, उस नॉब को यूज करके आप अपने रिकॉर्डिंग का लेवल अप डाउन कर सकते हो, और साथ में मिलता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए भी एक नॉब, जिससे आप अपने हेडफोन्स का लेवल भी अप डाउन कर सकते हो। एम ऑडियो का एम ट्रैक सोलो जो है वो अराउंड 5000 रुपीज का अमेजन पर अभी अवेलेबल है, और एम ट्रैक डुओ जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 5990 रुपीज का, मतलब 1000 रुपए का सिर्फ फर्क है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एम ट्रैक डुओ लीजिए, क्योंकि एक टाइम पे दो कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, और साथ में आप अपना हेडफोन्स का जो वॉल्यूम लेवल है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के थर्ड ऑडियो इंटरफेस की ओर, जो कि है वर्ल्ड ब्रांड का AI-22 ऑडियो इंटरफेस, जिसमें आपको दो इनपुट एंड दो आउटपुट्स का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि आप एक टाइम पर दो कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, जैसा कि आपको M-Track Duo में ऑप्शन मिल रहा था। तो अगर आपका बजट 6000 से 7000 रुपए के रेंज में है, तो आप ये ऑडियो इंटरफेस के लिए जा सकते हो। इसका जो अभी मार्केट वैल्यू है वो है 6999 अमेज़न के ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ आपको एडिशनली मिलता है बिटविक का 8-Track सॉफ्टवेयर, जिसको आप यूज करके अपना म्यूजिक प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हो, साथ के साथ आप अपना हेडफोन्स का लेवल भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम आज के फोर्थ ऑडियो इंटरफेस की ओर, जो कि है हमारा ओडियन का ईवो 4 प्रोफेशनल 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट USB ऑडियो इंटरफेस, जिसे आप यूज करके अपनी सिंगिंग, रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, गेम स्ट्रीमिंग, पॉडकास्टिंग सभी का पर्पज सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो हर ऑडियो इंटरफेस से ये आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें एक एडिशनली स्मार्ट गेन का फीचर मिलता है। इसमें जो स्मार्ट गेन का फीचर है वो नेचुरली आपकी वॉइस सुनकर एडजस्ट कर देगा कि आपका रिकॉर्डिंग के टाइम कितना गेन लेवल होना चाहिए। तो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप एक ऑडियो इंटरफेस ढूंढ रहे हो, तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका बजट 11000 से 12000 की रेंज में, तो ये ऑडियो इंटरफेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट एंड बेस्ट ऑडियो इंटरफेस की ओर, जो कि है हमारा ओडियन का ही ID4 MK2 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट हाई परफॉर्मेंस USB 3.0 ऑडियो इंटरफेस, जिसमें आपको मिलता है ऑडियन कंसोल माइक के प्री एम्स एंड ड्यूल हेडफोन आउटपुट, मतलब कि आप अपना हेडफोन 3.5mm जैक के साथ साथ क्वार्टर जैक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, और उसका
जो वॉल्यूम लेवल है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस ऑडियो इंटरफेस के साथ आपको मिलता है एक सॉफ्टवेयर बंडल जिसको यूज करके आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन का काम कर सकते हो। मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन का काम अगर आपने मैकबुक पे करना है तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है टाइप सी, मतलब आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने मैकबुक के साथ। तो ये थे 5-7 बेस्ट ऑडियो इंटरफेस 2022 के, सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, अगर आप बाय करना चाहो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कीप वॉचिंग एम्बेसी मो, पीस आउट।